इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, पेट का विकार और शराब की लत, अल्कोहलिज्म, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। क्या होता है कि लोग शराब पीने का बहाना ढूंढते रहते हैं, या शराबी हो गए तो बोलते हैं वो कारण है करके मैंने शराब चालू किया, टेंशन है इसलिए शराब चालू किया, झगड़ा हो गया था इसलिए शराब चालू किया, दुख हो गया था इसलिए शराब चालू किया, मतलब कोई बैड इमोशंस है, दुख हुआ, स्ट्रेस आ गया तो शराब, खुशी हो गई तो शराब, दुख हो गया तो शराब, तो ऐसे लोग पीते रहते हैं। अभी ये जो व्यक्ति मैं मेरे पास में आया उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 4 साल पहले, 24 साल का लड़का है, 4 साल पहले शराब चालू किया, क्योंकि उसके पहले उसको 2 साल से पेट का विकार था। और पेट का विकार मतलब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि एकदम क्लासिकल सिम्टम्स हैं जैसे उसने बताया। 6 साल से मतलब पेट का विकार है, खाना खाओ तो ऐसा 24 घंटे ढकार आती है और वो बहुत ही ऑफेंडिंग लगता है, मतलब लोगों को डिस्टर्ब करता है उसकी ढकार, बोलते हैं क्या ढकार दे रहा है, मतलब सोशली अच्छा लगता नहीं उसको, मुंह में पानी आ जाता है, ऊपर ऊपर पानी आता है, गैस पास नहीं होता, फिर उसके वजह से उसको डिप्रेशन आता है, क्या आपने कोई बीमारी है, घबराहट होती है, फिर भूख लगती नहीं क्योंकि पेट फुला फुला है, डब हो जाता पेट और फिर उसमें भूख लगती नहीं, बेचैन रहता है और बहुत ज़्यादा पेट का प्रॉब्लम है। फिर किसने तभी उसको बताया कि तू ऐसा कर शराब चालू कर कभी कभी, तो उसने शराब लिया तो उसको अच्छा लगा। अब इस पर से मालूम पड़ता है कि देखो पेट का प्रॉब्लम शराब से कैसा अच्छा होता, हालांकि पेट का प्रॉब्लम है क्योंकि उसको टेंशन था, स्ट्रेस था, शराब पिया तो स्ट्रेस निकल गया, टेंशन निकल गया, पेट अच्छा हो गया। तो फिर क्या हो गया, वो फ्रिक्वेंटली पीना चालू किया, बार बार पीना चालू किया क्योंकि बार बार पेट खराब हो रहा है, और फिर शराब की आदत हो गई। एक समय ऐसा होगा कि शराब की आदत हो गई और पेट फिर से दुखना चालू हो गया और पेट जैसा का वैसे हो गया। क्या है कि हम रूट पे जाते नहीं है, सोर्स पे जाते नहीं है, तो वो सोर्स पे ये गए नहीं, पेट का प्रॉब्लम है शराब पिया, सोर्स क्या है, सोर्स है उसका स्ट्रेस, पेट का प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, टेंशन, तो उसकी वजह से हो रहा तो वो निकालना पड़ता है, वो नहीं निकाले सिर्फ शराब पी रहे तो कुछ नहीं होता, फिर वो प्रॉब्लम बाहर आता है। तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली ये ऐसे प्रॉब्लम में उसको पेट का विकार है तो पेट के विकार के लिए दवाई देते हैं, और स्ट्रेस जो है, जो सोर्स है जिसकी वजह से पेट का विकार हो गया, उसके लिए भी दवा देते हैं, और फिर परमानेंट इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी करते हैं। ये जो है, इनको पहली बार जब हुआ तो ये 6 साल पहले हुआ, और फिर उस समय थोड़े थोड़े प्रॉब्लम थे पेट के, फिर धीरे धीरे उसने पीना चालू किया, तो पहले हफ्ते में 2-3 दिन पीता था, फिर 4-5 बार हफ्ते में पीना चालू हो गया, अब तो वो सवेरे से शुरू हो जाता है पीने का, और फिर पेट का वैसे के वैसे उल्टा शराब नहीं पिया तो पेट ज्यादा तकलीफ देता है, तो फिर दोनों भी अभी बीमारियां हो गई। उम्र सिर्फ 24 साल की है, शादी भी होने की है, शराब के ऊपर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, अभी तक 2 जॉब बदले क्योंकि पेट ठीक नहीं है, डिप्रेशन होता है, शराब पीता है, तो नेचुरली उसके जो मालिक है, जो बॉस है, उन्होंने देखा कि इसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी खत्म होते जा रही है, इफेक्टिविटी खत्म है, काम नहीं कर पा रहा बराबर, तो उसने उसको वार्निंग देके फिर बाद में निकाल दिया। सब इन्वेस्टिगेशन कर लिए, एंडोस्कोपी है, सोनोग्राफी किया है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब किए, सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल, और तभी भी प्रॉब्लम है। मैंने देखो अभी आपको इतनी आदत हो गई शराब की, अभी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो वो बोले कैसा, मैंने हमारे पास में 2 हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है कि जहां रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट को भर्ती करते हैं, तो भी आपको जहां रखना है वहां रखो, हम दोनों भी यहां रखने के लिए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम फिर काम करेंगे उसके ऊपर, उसको दवाई देंगे, पेट का भी प्रॉब्लम ठीक करेंगे, शराब भी छुड़वाएंगे, काउंसिलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, और धीरे धीरे अच्छा हो जाएंगे। बोले कितना दिन रहना पड़ेगा, बोले यूजुअली हम 1 से 3 महीना रखते हैं, तो हमने उसको भर्ती किया, 1 महीने तक वो था, जैसा वो विड्रॉ हो गया अल्कोहल तो उसको बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई। अल्कोहल जब विड्रॉ होता है तो क्या होता है, बहुत हाथ कांपना, घबराहट होना, पसीना आना, बेचैनी लगना, मतलब वो लक्षण हो जाते हैं जब शराब नहीं पीते हैं, तो पेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोनों को हमने ट्रीटमेंट दिया, साइकोथेरेपी, और उसको फिर हम सोर्स पे गए कि भाई 6 साल पहले हुआ क्या, क्या टेंशन हुआ, काफ़ी सारा उस समय स्ट्रेस था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था, पिताजी की मौत हो गई थी, घर में झगड़े फाइनेंस की वजह से हो रहे थे, और उसमें फिर उसको ये पेट का प्रॉब्लम चालू, तो उसको फिर वो जब प्रेजेंट हो गया कि भाई ये तो पेट का प्रॉब्लम है, उसमें फिर हमने शराब भी चालू किया, उस स्ट्रेस कायम ही है, तो वो रास्ता नहीं है जीवन जीने का, साइकोथेरेपी में वो उसको क्लियर हो गया, हिप्नोथेरेपी हमने उसको रियलाइजेशन ये करवाया कि बाबा रिलैक्स होना चाहिए, विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो, और उससे वो ठीक हो गया। तो ऐसा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है IBS का, तो आपको बताइए कि मैंने, मेरा पहला भी वीडियो था पेट विकार का मानसिक कनेक्शन,
और अल्कोहल के शराब के मतलब एडिक्शन की वीडियोस काफ़ी है। दोनों भी मानसिक बीमारी है और दोनों भी बीमारियां ठीक हो सकती है। ज़रूरत है इलाज होने की और प्रॉपर इलाज करने की। जब तक प्रॉपर इलाज नहीं होगा तो ये बीमारियां ऐसी रहेंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वो लोगों को शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम है। हमारा ऐप है, वह ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन वीडियोज़, वो आप खरीद सकते हैं। ऐप में आप चिट चैटिंग कर सकते हैं। आप जरूर डाउनलोड करो ऐप। और हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।